हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित सप्ताह उन्नीस कक्षा पहले की वर्कशीट बच्चों आज का उपविषय है एक से बीस तक की गिनती तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों पहला प्रश्न है नीचे दिए गए फूलों तितलियों और मधुमक्खियों की संख्या की गणना करें फिर डिब्बों में कुल संख्या लिखें तो देखिए बच्चों हमें बताने हैं कि यहाँ पे फूल तितली और मधुमक्खियाँ कितनी हैं तो देखिए बच्चों फूल एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो बच्चों फूल कितने हैं यहाँ हमारे पंद्रह अगला देखिए बच्चों तितलियाँ तितलियाँ कितनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो तितलियाँ हैं सोलह और मधुमक्खियाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो यहाँ लिखेंगे ग्यारह ठीक है बच्चों अगला है गिनती पूरी करें तो एक एक के बाद दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अगला है प्रश्न तीन वस्तुओं की गिनती के आधार पर सही जवाब पर गोला लगाएं जैसे एक करके दिखाया गया है अब देखिए बच्चों इन्हें हमें गिन के लिखना है कि कितने हैं तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो हमने यहाँ सोलह पे गोला लगाया अगला है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो यहाँ हम चौदह पे गोला लगाएंगे। अगला है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो यहाँ हम तेरह पे गोला लगाएंगे। अगली टॉफियाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो यहाँ हम अठारह पे गोला लगाएँगे अगला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहाँ हम बारह पे गोला लगाएंगे केले देखिए बच्चों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो यहाँ हम ग्यारह पे गोला लगाएंगे अगला है बच्चों चित्रों को गिनकर रिक्त स्थान भरे यहाँ कितनी पेंसिल है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो यहाँ लिखा दस यहाँ सेव कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो यहाँ लिखेंगे चौदह सेव हैं कारें खड़ी कितनी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो यहाँ लिखेंगे आठ कार खड़ी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहाँ बारह चिड़ियाएँ हैं हाथों में उंगलियां कितनी हैं बच्चों तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो यहाँ लिखेंगे दस हमारी आंखें कितनी हैं दो यहाँ मेंढक कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो यहाँ लिखेंगे यहाँ ग्यारह मेंढक है अगला है नीचे दिए गए चित्रों को देखें देखिए बच्चों गोलों के अंदर वाले तारों की संख्या कितनी है गोलों के अंदर तारे कितने हैं एक दो तीन चार पाँच और छः ठीक है बच्चों छः है तो यहाँ लिखेंगे छः लाल वर्गों के अंदर वाले तारों की संख्या लाल वर्ग देखिए बच्चों एक दो तीन चार पाँच छः सात तो यहाँ लिखेंगे सात सभी वर्गों के अंदर वाले तारों की संख्या अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो यहाँ लिखेंगे हम अठारह अगला है नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को दिए गए खाली डिब्बों में लिखें तो बच्चों इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या है बीस तो यहाँ लिखेंगे बीस और सबसे छोटी संख्या है एक तो यहाँ लिखेंगे हम एक अगला है बच्चों जीवन कौशल दूरी माप दूरी को मापने की इकाई का ज्ञान तो देखिए बच्चों निम्नलिखित कथन पढ़कर हाँ या नहीं में उत्तर दे व रेखांकित शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ें रेखांकी शब्द दूरी को मापने की इकाई है देखिए बच्चों पहला है घर से बाजार की दूरी सेंटीमीटर में मापेंगे तो बच्चों ये हमारा गलत है नहीं कमरे से रसोई घर की दूरी, दूरी को मीटर में मापेंगे बिल्कुल सही गली के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी मीटर में मापेंगे ये भी सही है अपना कद किलोमीटर में मापेंगे बच्चों ये गलत है घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में मापेंगे ये सही है और घर से डिस्पेंसरी की दूरी सेंटीमीटर में मापेंगे ये तो ये भी बच्चों बिल्कुल गलत है अगला है बच्चों संस्कार शाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें अपने खुद के सपनों को का निर्माण करें या कोई और आपको उनके सपनों के निर्माण के लिए काम पर रखेगा खाना पीना घर पर तैयार किए हुआ कोई भी मीठा व्यंजन जैसे खीर हलवा सेवैयाँ इत्यादि आप सभी को खानी है गतिविधि रसोई में मसालों के डिब्बों पर मसालों के नाम की चिट आपको चिपकानी है खेल पोषण पावे पोषण पा खेल आप सभी को खेलना है दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोए अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद